फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि मैं कुछ रिव्यू करने वाला हूँ जो शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स हैं। बहुत लोगों ने किए हैं शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स, तो मैंने भी सोचा मैं भी क्यों ना करूँ। मतलब काफ़ी अच्छे शार्क टैंक के कई प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत अच्छे हैं खाने के लिए या और अदर वे अराउंड, तो बहुत लोग कर चुके हैं। मेरा डिलेड है प्रोडक्ट, बट बेटर लेट देन नेवर, क्योंकि ये पिछले साल का शार्क टैंक का प्रोडक्ट था, जो थे केरला चिप्स जो आए थे इसके अंदर। केरला चिप्स का मैं प्रोडक्ट करना है, बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट्स भी बनाए हुए इनके इसके ऊपर, साल पहले बना दिए थे। चलो कोई बात नहीं, अभी किया, देर आए दुरुस्त है। उन्होंने एक एक करके प्रोडक्ट किया था, मैं सारे के सारे जो उनके केरला चिप्स के फ्लेवर है एक ही गो में उनका कुछ यूनिक करूँगा, एक ही गो में सारों का रिव्यू करूँगा उसके अंदर, केरला चिप्स के अंदर। हम सब केरला चिप्स, जो बनाना चिप्स होते हैं, केरला इज़ फेमस फॉर बनाना चिप्स, और काफ़ी स्वाद लगते हैं हमको खाने में। यूजली हमारे पास जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं, इट इज़ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का होता है, किस तेल में तले होते हैं, एक पॉलीथीन का पैकेट होता है जिसमें एक स्लिप सी डली होती है, बस इतने ग्राम का ये यहाँ का बना हुआ है। अनहाइजेनिकली कई बार तो पैक्ड होता है, तले होता है, कई बार उनका तेल यूज़ हुआ होता है और हमको नहीं पता होता है। जो ये केरला चिप्स हैं, इन्होंने बड़ा जब इनकी इंट्रोडक्शन हुई थी, बड़ी अच्छी ग्रीसी अन्ना की कहानी सुनाई थी, जो मैंने अभी कुछ उसका जिस सार सा बताया आपको, ग्रीसी अन्ना कैसे कितने 20-20 बार तेल यूज़ करते हैं, ये क्या करते हैं, और अपनी लुंगी से ही अपना वो हाथ पोंछते हैं, कई बार पसीना गिर जाता है उनका, बड़ी अच्छी स्टोरी से उन्होंने स्टार्ट की थी अपनी पिच शार्क टैंक इंडिया पर। तो देख सकते, जब उन्होंने पिछले साल बनाया था तो उनके पास 4 फ्लेवर थे, अब उन्होंने इसके अंदर 6 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। तो ये मेरे पास 6 फ्लेवर है, एक है सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, ये देख सकते हैं सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर। मैं सारे को एक ही गो में करूँगा, अलग अलग नहीं करूँगा। ये हॉट एंड स्वीट चिली, ये जो है हॉट एंड स्वीट चिली, और ये क्या है हॉट एंड स्वीट चिली, और इसके बाद है देसी मसाला, ये देसी मसाला पीरी पीरी, ये पीरी पीरी फ्लेवर है इसका, देख सकते हैं ये। और ये है सार क्रीम एंड अनियन पार्सले, मतलब जैसे लेज का सार क्रीम एंड अनियन या क्रीमी अमेरिकन क्रीमी चिप्स जो आते हैं वो ऐसे उसका फ्लेवर बनाया है। ये ओरिजिनल जो बेसिक टेस्ट होता है बनाना चिप्स का, वो विदाउट एनी फ्लेवर, विदाउट एनी एसेंस ऑफ फ्लेवर। और उनको जब उनकी शार्क टैंक चला था, उन्होंने कहा था हमारे दो फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे चलते हैं, एक तो ये है ओरिजिनल स्टाइल और एक पेरी पेरी, जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और ये आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएंगे, डंजो, जेप्टो और ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, सब जगह उपलब्ध है ये, आप सुपरमार्केट जाएंगे वो मिल जाएंगे आपको, और काफ़ी अच्छे टेस्टी होते हैं केरला चिप्स, बनाना चिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं लेता हूँ सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, पहले इसके बारे में बता दूँ, ये 60 रुपये का एक पैकेट आता है, और पीछे से ऐसा कुछ इसका लिखा होता है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट सब दिए होते हैं, और ये बेसिकली थिन होते हैं, बस यूनिफॉर्मली कट होते हैं। ये हम बाज़ार से जो खाते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है, इसकी सॉफ्टनेस भी बरकरार होती है। उन्होंने बताया था कि यदि आप बाइट करते हैं, जब इसका शार्क टैंक में आता है, आपका बाइट करते हैं, अगर आप आगे से चबाएं, इसका मतलब आपका जो ये वेफर है, ये स्वाद है, यदि आपका ये टेस्ट, आपका ये चिप है, ये चिप्स जो है, या फिर दाढ़ में चले जाएँ, पीछे चले जाएँ, इसका मतलब दे आर नॉट गुड। तो देखते हैं इसका, और यूनिफॉर्मली कट है इनका, बिल्कुल हाइजीनिकली पैक्ड है, हाइजीनिकली कुक्ड है, ग्लव्स के साथ ये जो बनाते हैं सब कुछ, और बनाते हैं इनको CRC जैकफ्रूट इंडिया और रॉ बनाना चिप्स। चलिए फिर खा के देखते हैं इसको। 60 रुपये का पैकेट आता है, कितने ग्राम का लिखा हुआ है इसके अंदर, ग्राम लिखी हुई इसके अंदर, साथ में और लिखा हुआ है 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 ट्रांसफैट, हाई फाइबर, बेटर फॉर यू स्नैक, ये सारा नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए इसको कर, और पूरी एनर्जी वैल्यू 100 ग्राम पैक के अंदर है, 550 किलो कैलोरी इस पैक के अंदर। ऐसे दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ ऐसे हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हैं ये देखिए, ऐसे यूनिक एक जैसे बराबर कटे हुए हैं सारे, पतले चिप्स, कोई मोटा नहीं, कोई पतला नहीं, सारी यूनिफॉर्मिटी इसकी मेंटेन्ड है। चलिए खा के देखते हैं, बिल्कुल खस्ता, कोई हार्डनेस नहीं है इसके अंदर, पेपर का हल्का हल्का स्वाद आ रहा है, हल्का हल्का पेपर का भी टेस्ट आ रहा है, बहुत स्वाद है, मुंह में देखो कहते पिघल जाता है, कोई कड़च कड़च की ज़्यादा आवाज़ नहीं,
बहुत स्वाद है, ज़रूर खाइए अगर जिन्होंने नहीं ट्राई किए। वैसे मोस्टली जनता ने तो ट्राई कर लिए होंगे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं किए। मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ और बहुत अच्छे लगे मेरे को ये वाले, बहुत स्वाद है पेपर वाले। अब चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट वाले जो हैं ये हॉट एंड स्वीट वाले चिप्स हैं, ये देखिए ये भी 60 रुपए के आते हैं और इनकी बेस्ट बिफोर जो है 7 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर डेट 7 महीने हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। चलिए इसको भी खोलते हैं, इसके अंदर ही 510 किलो कैलोरीज, इसके अंदर एनर्जी है। मेरे को तो पहला वाला फ्लेवर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल खस्ता मुँह में घुलने वाले, यूनिफॉर्म इनका कटिंग है सारी, इसका भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं ये भी वैसे यूनिफॉर्म कट हैं ये सारी, ये जो हैं अगर आप देख सकते हैं ये देखिए एक एक सम यूनिक फ्लेवर है ये, अच्छा है, नाइस। अगर मैं दूंगा थोड़ा सी तीखा, इतना नहीं है और थोड़ी टैंगी है मिर्ची की जो वो होती है ना, थोड़ी सी थोड़ी हल्की स्लाइड स्लाइड दोनों में फील होती है, ब्लैक पेपर की इसमें होती है इसमें मिर्ची की होती है। और आई फाइंड ब्लैक पेपर को अगर दूँ इससे मेरे को ज़्यादा अच्छे ब्लैक पेपर के लगे हैं, नो डाउट ये भी अच्छे हैं, पर मेरी टेस्ट पैलेट के हिसाब से ये हैं। आपका हो सकता है आपका टेस्ट मेरे से डिफरेंट हो, बट आई विल रिकमेंड बोथ ऑफ देम। नेक्स्ट मैं आता हूँ, ये है देसी मसाला, देसी मसाला सेम थिंग 510 कैलोरीज हैं पर 100 ग्राम। और चलिए इसको खा के देखते हैं, मेरे को अच्छे लगे अभी दोनों ट्राई किए, मेरे को बाद में मैं प्रेफरेंस बताऊंगा मेरे को कौन से ज़्यादा अच्छे लगे। अभी तो फिलहाल तो ब्लैक पेपर मेरे को ज़्यादा पसंद आया, उसके बाद ये हॉट एंड स्वीट था। ये देखिए ये भी ऐसा है देसी मसाला, यूनिफॉर्म कट हैं बिल्कुल, कोई मोटा पतला नहीं, ये टैंगी है, स्वाद है। ये चाट मसाला तो नहीं, खट्टा टैंगी टेस्ट होता है ना, मसालेदार टेस्ट होता है वैसा, मेरे को अच्छा लगा ये भी, मस्ट ईट। कहते रहे पहले ब्लैक पेपर फिर मसाला फिर हॉट एंड चिली। चलिए नेक्स्ट पर आता हूँ, ये है पीरी पीरी, ये भी कहते हैं इनका हॉट सेलिंग में आता है ये। चलिए इसको खोल के देखते हैं, पीरी पीरी थोड़ी मिट्टी होती है, अभी कुछ वीडियोस आएंगे जब मैं शार्क टैंक के प्रोडक्ट्स ही होंगे, सेम कोई मोटा नहीं कोई पतला नहीं सब एक जैसे। पीरी पीरी नाइस गुड, एक से एक बढ़ रहे हैं सारे, मस्ट ट्राई, जिन्होंने नहीं किए मस्ट ट्राई, मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, मेरे को बहुत पसंद आए हैं ये सारे। अब बाद में मैं एक साथ बताऊंगा कौन से मेरे को बेस्ट लगे। बाकी आप नेक्स्ट चलते हैं, हम सार क्रीम अनियन पार्सले ये वाले, तो इसको खोलते हैं हम। केरला इज फेमस फॉर दिस, जैसे मैं बता चुका हूँ बनाना चिप्स मेरे को बहुत अच्छे लगे ये वाले। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट, थोड़े से अगर आप बाहर से लेंगे थोड़े से ये कॉस्टली पड़ेंगे, बाहर एक छोटा पैकेट मिलता है थोड़ा सा कम रेट में मिलता है, पर वो हाइजीनिक नहीं होते। सेम स्वाद है, ये सबसे ज़्यादा स्वाद लगे, स्वीटिश टेस्ट है, नाइस मस्ट ईट, एक से एक बढ़कर फ्लेवर है नो डाउट। ये डील लेकर गए थे, इनके 2.5% थी समथिंग, 50 लाख की डील जो थी इनको अश्नील ग्रोवर और अमन ने दी थी डील इनको, इनकी इक्विटी को ले। और ग्रीसी अन्ना की स्टोरी इन्होंने जो शुरुआत की थी वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने अपने इसके अंदर भी बताई है वीडियो के अंदर। ये देखिए ये स्टैंडर्ड जो नो फ्लेवर, जिसमें जो बेसिक चिप्स होते हैं, बहुत स्वाद है, सबसे बेस्ट, नाइस, यूनिफॉर्म फ्लेवर है, मस्ट हैव इट। अच्छा आप रेटिंग बताऊंगे, सबसे बेस्ट ये वाला
देन सॉरी अब मैं सारे टेस्ट करी, देन ये दिस ब्लैक पेपर वाला, देन दिस देसी मसाला, देन सार क्रीम एंड अनियन, देन पेरी पेरी, देन हॉट एंड चिली, हैं सब बड़ा अच्छे, पर मेरे टेस्ट पैलेट के हिसाब से अगर मेरे को लेना हो तो मैं सबसे पहले बेसिक पर ही आऊँगा, उसके बाद मैं फ्लेवर्स वाले लूँगा, है सारे ही A1 टॉप नंबर वन। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सारे कंसोलिडेट एक रिव्यू अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यदि आपने नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।